तो पिछले एपिसोड में सबको याद होगा कि ट्रेवर ने कर दिया खतना कला कांड यार। वो मार्टिन की वाइफ को किडनैप करके ला चुका है। तो यार आज के एपिसोड में वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं यार। जो चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर हम आ चुके हैं वही बॉलीवुड गली में वही एक्टर के पास। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हम एक्टर को लेके आए थे, पर इस बार हमको एक्टर से कोई लेन देना नहीं है, हमको कार चुरानी है। भाई कार चुरा लेंगे तो आएगा कैसे, खुद सोचो। उसकी कार ना बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत ज़्यादा मस्त है, तो हमको वो चुरानी है। और जल्दी चलते हैं अंदर, शूटिंग चल रही है उसकी, तो हम टाप के जाएंगे। सामने सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे, तुमको उनको भी मारना पड़ेगा यार। हाथ में गन रख लेता हूँ। चलो भाग जो जितनी भी शूटिंग हो रही है सारी शूटिंग ख़राब कर दी उनको। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आने वाले होंगे। देखो जैसे मैंने कहा था सिक्योरिटी तो यहाँ पर होगी क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं। अब खुद सोचो यार सिक्योरिटी तो होगी 101%। चलो तू भी ख़त्म। यहाँ पर हमने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे सबको हरा दिया, और यहाँ पर हरा नहीं दिया मार दिया। और यहाँ पर जो भी सामने आएगा उसके रॉकेट लॉन्चर बजा दूंगा। भाई कोई सामने तो आए। चलो यहाँ पर देखो इनकी शूटिंग चल रही थी, सारी शूटिंग हमने ख़राब कर दी है। इसकी कार भी आसपास ही होगी तो जल्दी से उसकी कार फाइंड करते हैं। और यहाँ पर मेरे को कार लग रही है आसपास होगी। और यहाँ पर मैं लुक के जा रहा हूँ। सामने देखो वो रहा एक्टर, तो हम आराम से जाएंगे और इसको भाई थोड़ा धमकाएंगे, उससे पूछेंगे तेरी कार किधर है। तेरे सामने रहा एक्टर है हमारा, पीछे मत देखियो बस यार, आराम आराम से जा रहे हैं हम। हाँ भाई यहाँ पर हम इसके दे मुक्का मारेंगे दबा के, दे मुक्का। चलो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और हमने इसको कार में जल्दी बंद कर देते हैं जो भी इनकी ये वैन है। चलो हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया, बेहोश हो चुका है कि मुक्के में ही एक मुक्के की मारती है। तो और यहाँ पर हमने इसे कपड़े बदल दिए यार, हमने इसे कपड़े पहन दिए ताकि हम एक्टर बन जाएं। भाई पता नहीं क्या लॉजिक है गेम का, कपड़े बदलने से हम एक्टर बन गए। चल जो भी है। और यहाँ पर इसकी कार सामने मेरे को दिख रही है, तो जल्दी से इसकी कार चुरा के भगते हैं। यहाँ पर कार का भी एक ना मेन वो था, रोल था। अच्छा ये वाली कार नहीं थी, ये वाली कार है जहाँ पर शूटिंग चल रही है। तो यहाँ पर हम एक्टर आ चुका है और ये रही हमारी कार, साथ में हमारी हीरोइन बैठी है। अब जल्दी से कार को शूटिंग के लिए रेडी करते हैं। और इनको शक हो चुका है भाई, कुछ ना कुछ तो अलग हुआ है, ये कार लेके भाग कहाँ रहा है। चल सिक्योरिटी गार्ड ख़त्म, मैं सामने मत आओ उड़ा दूंगा मैं। सलमान खान का फैन हूँ मैं, सलमान खान का हैवी ड्राइवर हूँ मैं, एक नंबर का। और यहाँ पर जल्दी से भगाते हैं। और यहाँ पर जल्दी रिक्की और चीके मार रही है हमें साथ बैठ की कि भाई मेरे को उतारो, मेरा क्या लेन देना है। तो जल्दी उतर हीरोइन जो भी है, जल्दी उतर ना, तेरे को मार दूंगा मैं। चलो धमकी देख के हमने उतार दिया इसको। और यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने गैराज की ओर। और यहाँ पर आप देख सकते हो सुपर कार नहीं है ये, मतलब सो रेयर कार है भाई, बहुत सारी रेयर कार हैं जिसको हम चुरा चुरा के बेचेंगे और एक दिन बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पीछे सिक्योरिटी पड़ चुकी है, तुमको सिक्योरिटी को भी मारना पड़ेगा यार। चलो यार जल्दी से भगा लेते हैं इतनी, ये वैसे हमारा पीछा कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि जो मेरी कार है ये फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं यार, टक्कर होगी यार, नुकसान होगा भी फालतू में। मैं जिसने टक्कर की उन सबको मैं मार नहीं दूंगा। और पीछे से फायरिंग कौन कर रहा है? अच्छा ये सिक्योरिटी वाले बंदे हैं। चलो तुमको तो मैंने मार दिया। चलो एक पीछे एक और भी आया, ये भी गया, पीछा कर रहे थे कब से यार। चलो सबको मैंने मार दिया, और कोई सिक्योरिटी वाले तो मेरे को दिख नहीं रहा। अब जल्दी से चलते हैं यार, उनकी कार है, थोड़ी नुकसान करूँगा मैं कार का। चलो यार जल्दी से बैठते हैं अपनी कार में। यहाँ पर हम जा रहे हैं दोबारा अपने गैराज की ओर। यहाँ पर मैंने फ़ोन करके कह दिया जिसका ऑर्डर था वही जो हमारी मैम है कि कार चुरा ली है, अब मेरे को लोकेशन बताओ कौन से गैराज में आना है। तो यहाँ पर हमको ये लोकेशन मिल चुकी है, हम ये पहले गैराज में आ चुके हैं यार। थोड़ा गैराज थोड़ा अंडरग्राउंड है यार, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। चलो भाई कार पहुँच चुकी है सही से, मान लेते आप देख सकते हो। और यहाँ पर खुश हो गए सामने कि कार आ गई फाइनली, अभी इसको बेच के पैसे ही पैसा होगा। कोई यहाँ पर एक कार का बहुत बड़ा फ़ैन है यार, कार लवर है, जो इनसे भी कार देखता है खुश हो जाता है देख के ही। चलो यार हमारा काम हो चुका है, हम थोड़े पैसे की बात कर लेते हैं। पैसे चाहिए भाई हमको, फ्री में कोई काम नहीं करते। यहाँ पर वही बात हो रही है, कहता है बस एक बार कार बेचने की देरी है फिर पैसे ही पैसे होएगा। और पीछे लमार भी आ चुका है, लमार भी यहाँ पर ही काम करता है जिसको नहीं पता। लमार भी कार देख के शौक हो चुका है, भाई क्या कार है, अब इसको बेच के पैसे ही आएगा। तो यहाँ पर वो भी देख ही रहे कार का, वही फ़ैन हो चुका है। पर इसका थोड़ा कलर चेंज करेंगे थोड़ा, मतलब इसकी जो पहचान है सारी छुपा के ना चेंज कर देंगे सारी चीज़ों, भाई कोई भी ना मतलब पहचान ना पाए कि ये मेरी कार है। तो यहाँ पर यार बात हो रही है, और ये जो कार वाला सेल्समैन है, सेल्समैन पेस्टी करती कार वाला जो भी शोरूम वाला है, वो बता रहे कि लमार तुम्हारे साथ है, जब भी कोई लमार की हेल्प चाहिए होती है ले लेना। तो यहाँ पर लमार भी बता रहा है,
कि भाई कार चुरानी होती है मेरे को भी ले जाया करो साथ में यार, अकेले अकेले मत जाया करो, मैं भी एक दो कार चुरा के आऊँगा साथ में। यहाँ पर सारी बातचीत हो रही है इनकी, और लम्मार जो है कार लेके जाने वाला है मोडिफिकेशन या कलर चेंज कराने के लिए। लम्मार का तो मन लगे कार पे, सीटियाँ मार रहे देख के। और यहाँ पर वही पैसे की बात मत करो, कहता है पैसे बाद में दूंगा मैं, पहले कार बेचना दो मेरे को। क्या यार पैसे मेरे को जमाश ही होते हैं, क्या करें यार। फ्रैंकलिन चढ़ गुस्सा कि फ्री में काम करते रहो तुम, तो मैं नहीं करूँगा ऐसे काम, चलो यार। और यहाँ पर एक कह रहा है भाई उसको जाने दो, हम अभी कार की मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर इस कार को बेचेंगे मोटे दाम पे। चलो यार पैसा नहीं हमारे पास यार, पैसे कंगाल हैं। और वहाँ से मैं जैसे ही घर पहुँचा था, मेरे को यहाँ पर माइकल का फ़ोन आ चुका है, और यहाँ पर मैं माइकल के घर पहुँच चुका हूँ। और जल्दी से इसकी बात करते हैं, इसने मेरे को बुलाया क्यों इतनी जल्दी में। चलो यार भाई घर में तो कोई है ही नहीं, चलो यार जल्दी से फ़ोन करके देखते हैं माइकल को। माइकल भाई तू कहाँ रह गया, मेरे को बुला के खुद है नहीं तू इधर। यहाँ पर मेरी माइकल से बात हो रही है, माइकल भाई जल्दी फ़ोन उठा। और यहाँ पर सीन चेंज हो चुका है, और ये इसने फ़ोन उठा लिया है, और यहाँ पर इसने सब कुछ बता दिया फ्रैंकलिन को भाई बहुत बड़ा कांड हो चुका है, ड्राइवर ने मार्टिन की वाइफ को किडनैप कर लिया है और वो अपनी वाइफ मिलना चाहता है उसको। और यार कह रहा मैं खुद परेशान हूँ ड्राइवर से, और ड्राइवर ने नशेरी लेते हुए बैठ पे जैसे कुछ हुआ ही ना हुए। क्या बोलूँ मैं ड्राइवर का यार, यहाँ पर सारी कहानियाँ बता रहे हैं उसको फ्रैंकलिन को, तुम जल्दी से जल्दी आओ इधर, मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए। और जो ये वाइफ है इसको हमको वापस मार्टिन को दे के आना है, कि मार्टिन को पता न लगे कि उसकी वाइफ किडनैप हुई थी। यहाँ पर वही सारी बातचीत हो रही है, फ्रैंकलिन जल्दी आ यार, यहाँ पर देख ही सकते हो यार सब, यार कितना बड़ा कांड हो चुका है। और यहाँ पर ड्राइवर भी उठ चुका है भाई, ड्राइवर ने बस हमारी बात सुन ना लिए, जो ड्राइवर और माइकल की लड़ाई हो जाएगी बेफालतू में ही। वैसे माइकल सही सलाह दे रहा है उसको, यार किसी और की वाइफ क्यों चुरा के आया भाई, तू कितना ऐप कर रहा है यार, क्या बोलूँ मैं अब। और यहाँ पर इसका दोस्त आ चुका है ड्राइवर का, कहता भाई मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए जल्दी से आओ। और यहाँ पर ये बातचीत कर रहा है यार, ये नहीं सुधरेगा यार, इतनी बड़ी हमारी ज़िंदगी बची थी दोबारा, और दोबारा इसने कान में फंसा दिया। यहाँ पर वो सिर्फ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है अभी भी, और यहाँ पर इनकी बातचीत चल रही है। और यहाँ पर यही पूछे तुम लोग कितने पी करके आए हो, तुमको पता नहीं मेरे हस्बैंड कैसा है, वो तुमको मार देगा जिंदा। और यहाँ पर इनकी बात चल रही है यार पूरी। और यहाँ पर ये कह रहा है कुछ खाने के लिए बना जल्दी यार, भूख लग रही है। यहाँ पर कह रहा है निकल जाए चुपचाप, तू काम बता तेरा काम क्या है। यहाँ पर यार जिसने कोई हमको बात बता रहा है कि एक प्लेन है उसके अंदर बहुत सारा मतलब सामान है महंगा महंगा, जो प्लेन है वो हमारे हाथ में आ जाए ना, हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है, और ड्राइवर जाएगा प्लेन चुराने के लिए। चलो यार प्लेन नहीं चुराएंगे, अब सारी बातचीत हो चुकी है। और ये कह रहा है माइकल तुम यहीं पर रहो, वो वाइफ का ध्यान रखो, मैं बस आ रहा हूँ दो मिनट में प्लेन को लेके। क्या यार यहाँ पर जल्दी चलते हैं प्लेन को चुराने के लिए, प्लेन में बहुत महंगा महंगा सामान है। और यहाँ पर इसको सारी लोकेशन पता है, सबसे पहले तो हमको अपना प्लेन चाहिए, तो हम जा रहे हैं अपनी खुद के एयरपोर्ट पे। आप सबको पता ही होगा कि हमारा खुद का भी एयरपोर्ट है, पर ये सस्ता एयरपोर्ट जो कि ड्राइवर के नाम पे है। ड्राइवर ने बहुत सारी चीज़ें चोरी करके ना, मतलब क्या बताऊँ, असली चोर तो यही है ड्राइवर। जितने भी प्लेन चाहिए होते हैं इसके पास मिलते हैं, सबमरीन चाहिए होते हैं इसके पास मिलती है, कोई चीज़ कमी नहीं है इसको। पर ऐसे शो ऐसा करता है मैं गरीब हूँ, जैसे घर में रहता है, पता नहीं इसको शौक नहीं है चीज़ों का, या सच्ची में थोड़ी गरीबी ले वो करता है कि मैं गरीब हूँ। यहाँ पर हमको अपना प्लेन मिल चुका है, और यहाँ पर हम जा रहे हैं वो वाले प्लेन के पास, वो वाले प्लेन को हाईजैक करने के लिए, मतलब चुराने के लिए, ताकि हम वो प्लेन को अपने पास लेके आ पाए। और यहाँ पर वो प्लेन ना कोई गैंग का है, मैरी वेदर भैया ड्राइवर की, इसलिए तो गैंग लड़ाई चलती रहती है। पहले बाइकर गैंग थी, ब्लास्ट गैंग, इतनी सारी गैंग होती इसकी लड़ाई चलती रहती है यार, क्या बोलूँ मैं। यहाँ पर हम जा रहे हैं जल्दी से प्लेन को चुराने के लिए, पता नहीं प्लेन कहाँ पर होगा बोला। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, और यहाँ पर मेरे को एक प्लेन दिख तो चुका है, वो मेरे को लग रहा है वही प्लेन है, जल्दी इसके थोड़े और करीब जाते हैं। और यहाँ पर मैं इस प्लेन के थोड़े और करीब आ चुका हूँ, और यहाँ पर मेरे को ओखा सोखा करके ना जो प्लेन को ना बोले प्लेन के अंदर घुसाना है, पता नहीं कैसे समझाऊँ आपको मैं उनको, बस ये वाले प्लेन चेंज करके ना वाले प्लेन में जाना है जैसे मर्जी करके। तो मैं थोड़ा टक्कर बना के देखूँगा बाई चांस मैं आ जाऊँ, और उसके पीछे से वैसे खुला हुआ है, तो हमको जल्दी से वहाँ पर लैंडिंग करनी है अपनी। भाई पहली बार तो फेल हो गया था यार, दूसरी बार हम आ चुके हैं जल्दी से। और यहाँ पर अपने कोई यार मसाले फेंक रहा मेरे को लग रहा है। और यहाँ पर हमने ओखा सोखा क्या बोलूँ मैं, हमने प्लेन को हाईजैक कर लिया, बस पूछना मत कैसे किया। और यहाँ पर हमारे हाथ में आ चुका है प्लेन, अब जल्दी से जा रहे हैं हम अपनी भाई
एयरपोर्ट पे, हमारा जो प्राइवेट एयरपोर्ट है ट्रेवर का, बस चलते हैं जल्दी से यार। चलो चलो जल्दी चलो यार, मेरे को कोई मुसीबत नहीं चाहिए। यहाँ पर रात हो चुकी है, उड़ाते उड़ाते प्लेन, और मैप में ये क्या भाई, दो फाइटर प्लेन आ चुके हैं। और यहाँ पर लगता है मेरे को ये वही बंदे हैं जिनका हमने प्लेन चुराया है, और यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ये हमारा प्लेन है, ये हमारा ना हो पाया तो मैं तुम्हारा होने भी नहीं दूंगा। तब डायलॉगबाजी चल रही है पूरी, तुमको इनसे बचना पड़ेगा यार। मैं बच जा यार, मेरे पास कोई इसमें अटैक्स की मिसाइल भी नहीं है, उनको बचना पड़ेगा इनकी मिसाइलों से, क्योंकि वो फाइटर प्लेन है, उनके पास मिसाइल तो 101% होगी। और यहाँ पर हमको वॉर्न करने हैं, रुक जाओ नहीं तो तुमको उड़ा देंगे। तो ड्राइवर तुमको पता है किसी की मानने वाला तो है नहीं। यहाँ पर वही हम जा रहे हैं भगाते हुए, और इसकी स्पीड भी थोड़ी स्लो है देखा जाए तो फाइटर प्लेन के कंपैरिजन में। यार मुझे डर लग रहा है बस यार, गलत जगह फंस गया हम, यहाँ मर के तो सारा गेम ख़त्म ना हो जाए हमारी। चलो यार थोड़ा बच बच के जाना पड़ेगा। और यहाँ पर इन्होंने मसाइल शुरू कर दिया यार हमारे प्लेन पे यार, और यहाँ पर देख सकते हो यार हमारा प्लेन जो है क्रैश होने वाला है, तो जल्दी से मेरे को भगना पड़ेगा यार। भाई पैसा गया भाई, पैसे तो बाद में भी आ जाएगा, तो पहले जान जान भी आ रही है, जल्दी भगना पड़ेगा यार। भग जा भग जा भग जा भग जा, ड्राइवर भाग जल्दी भाग यार जल्दी भाग। यहाँ पर हमारा पैराशूट है पड़ा, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने छलांग मार दी अपनी, और यहाँ पर हमको आराम से लैंडिंग करनी है यार। प्लेन को तो हम बाद में देख लेंगे, अमीर हम बाद में हो जाएंगे, पर सबसे जो प्यारी है जान, जान बच गई तो प्लेन का छोरो जो गैंग है उनको हम पूरी ख़त्म कर देंगे जिस गैंग ने हम पे हमला किया है। ड्राइवर तुमको पता ही कैसा बंदा है यार, इसकी फाइटें चलती रहती हैं यार, हर गैंग से फाइट है इसकी। चलो यार बस हम पहुँचने वाले हैं, जल्दी से पैराशूट खोल लेता हूँ, हमारी सेफ लैंडिंग हो जाएगी। चलो यहाँ पर आराम से जाएंगे बस यार, जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, पैसा तो आता जाता रहता है, पैसा जो है हाथ की मैल है। चलो यार यहाँ पर पहुँच चुके हैं बस, हम सेफ लैंडिंग कराते हैं एक बारी, बस कोई ये पिलर पिलर पर अटक ना जाऊँ मैं, जैसे बोला था वही हुआ है यार। चल शुक्र है बच गए, हमारी हेल्थ थोड़ी सी बच गई थी तो मर जाते। अब जल्दी से जाते यार हमारे भाई बेस की ओर यार, प्लेन तो हाथ में आया नहीं, वाइफ तो हाथ में आया कम से कम। और यहाँ पर सुबह हो चुकी है, और यहाँ पर हम जा रहे हैं अपनी घर जो भी हमारा बेस है। चलो जल्दी चलते हैं यार, प्लेन हाथ में नहीं आया यार, क्या करें। और यहाँ पर मेरे को ओनिल ब्रदर का फ़ोन आ चुका है, आपको याद ही होगा हमने इनको बचाया था बहुत समय पहले, और हम इनसे ना पैसे लेने थे, तो ये हमको पैसे दे नहीं रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने हमको बुला लिया कि कोई लोकेशन पर पहुँचो और ये हमको पैसे दे देगा। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं वही लोकेशन पर, और यहाँ पर इनकी भी छोटी मोटी गैंग बन चुकी है ओनिल ब्रदर्स की, तो यहाँ पर उसकी गैंग बाहर बैठी है, तो हम उनसे बात करके पूछते हैं कि कोई तुम्हारा लीडर किधर है। और यहाँ पर ये अपनी ड्रिंक कर रहे हैं यार, यहाँ पर ड्राइवर से बात कर रहा है कि तुम्हारा बॉस की तरह है, मेरे को उनसे बात करनी है, उन्होंने मेरे को बुलाया है। और यहाँ पर ये पूरे गमन दिखा रहे हैं कि तुमको तो हमने मारने के लिए बुलाया था, तुमको पैसे नहीं मिलने वाले, ये देखो ये हमारा प्लान था, हम तुमको मार देंगे और तुमको तुम्हारे पैसे भी नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर ड्राइवर से मजाक कर रहे हैं लगता है, तुमको पता नहीं ड्राइवर कैसा बंदा है। ये चमाटा पया अब बता तुम, गन हमारे हाथ में आ चुकी है, और यहाँ पर ड्राइवर कह रहा है तुम्हारे जितनी भी गैंग है जितने भी लोग हैं सारे बुला के आओ, सबको मैं एक साथ मारूंगा। अब यहाँ पर गैंग बुलाने गया है, और ड्राइवर को ट्रेवर गुस्सा आप देख सकते हो, यहाँ पर इसी गैंग में 25 बंदे हैं, तुमको 25 के 25 बंदे मारने हैं। ये देखो इसकी पूरी गैंग आ चुकी है, फिर पूरी तेरी गाड़ी ब्लास्ट कर दूंगा मैं, इतनी गोलियां मारूंगा, देखी बेशक गोलियां कम है मेरे पास पर तब भी। यहाँ पर एक बंदे और है, ये भी गया खत्म, तीन चार बंदे तो मैंने डाउन कर दिए हैं, यहाँ पर और बंदे भी आ रहे हैं देखो सामने है, पीछे से फायरिंग कौन कर रहा है। यहाँ पर ये भी गया खत्म, यहाँ पर मैंने सारे बंदे मार ही दिए लगभग, और यहाँ पर ये रहा बंदा आखिरी बंदा, और 10 सेकंड में और बंदे आने वाले हैं, हमारा टाइम लिमिट दी हुई थी हमने। चलो ये भी ख़त्म, और सामने भगता हुआ आ रहा है, ये भी गया, और कोई रह गया तो जल्दी आ जाओ। और यहाँ पर ये भी ख़त्म, यहाँ पर ये आखिरी है, नहीं ये पीछे इसके पीछे एक और आखिरी है। चलो वही रुक रुक जा, चलो यार हमने इसके ज़्यादातर बंदे मार दिए हैं, तो हमारा मिशन पास हो चुका है, जो इतने भी बाकी बंदे उनको हम बाद में मार देंगे। इनको मतलब थोड़ा वार्निंग मिल चुकी है कि ड्राइवर से पंगा नहीं लेना। और यहाँ पर अगले एपिसोड में हम ओनिल ब्रदर्स को मारेंगे हमारे पैसे लेने ने तो वापस। चलो यार आज के एपिसोड में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।